इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है कल। सीएम भूपेश ने बोरे बासी खाने की अपील की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को कहा। उत्सव के रूप में जो है श्रम दिवस मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आदिवासी किसान मजदूरों का जो है यहाँ पर प्रदेश है, मजदूरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, किसानों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर जो है इस दिन को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है तो उसी के तहत जो है सीएम भूपेश बघेल ने बोरे बासी खाने की अपील की है। बड़ा अपडेट आपको दे रहा है छत्तीसगढ़ से, जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर इस मौके को जो है, इस दिन को जो है बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों की संख्या ज्यादा है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लविंदर, कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में इसे जो है विशेषकर बहुत अच्छे से मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मजदूरों किसानों की संख्या ज्यादा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है, बोरे बासी खाने की जो है अपील की है। तो क्या है ये बोरे बासी और कल किस तरह से इस दिन को मनाया जाएगा? देखिए, कल राष्ट्रीय दिवस है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार लोगों से अपील की है कि बोरे बासी भी खाएं, क्योंकि ये प्रदेश किसानों का है, आदिवासियों का है, जो जंगल कटान में लोग रहते हैं उनके लिए दिन है। लोग जो, क्योंकि किसानों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो लोग ज्यादा एक एक रात पहले ही इसको बना के अपने काम के लिए सुबह जल्दी निकलना होता है, जिसको क्योंकि ये संस्कृति है, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रचलन में काफी गरीब लोग थे जिसको लेकर लगातार अमीर आदमी इसको ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि बोरे बासी खाया जाए। बोरे बासी का महत्व भी बहुत है, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है, उसका एक अलग ही महत्व रहता है। बोरे बासी में जो आप हैं उससे आपका पेट ठंडा रहता है, उसे लू नहीं लगती, और इसके काफी फायदे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताए हैं, जो आने वाले समय में लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। एक रात पहले इसे रात को बनाया जाता है ताकि जो काम करने वाले मजदूर हैं वो सुबह अपने काम पे इसको खा के निकल जाते, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं रहता कि इसको कुछ और खाना बनाया जाए, तो इसको खाने का अलग ही मजा है, जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी संस्कृति के तौर पर आगे बढ़ाने की बात कही है। पिछले साल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने अपील की थी, सारे नेता मंत्री अधिकारी और जो तमाम जनता है उन्होंने फोटो खींच कर इसकी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, उसी के तर्ज पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपील की है लोगों से कि आने वाले जो कल जो विश्व श्रम दिवस मनाया जाएगा उसके लिए इसके साथ ही बोरे बासी दिवस भी बनाया जाए, ताकि लोगों को इसमें उत्सुकता है, जो लोगों में रुचि है वो आगे बढ़ाई जाए, एक संस्कृति के तौर पर इसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जिले में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बताया जा रहा है कि कल कई सारे कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में व्यवस्था क्या कुछ की गई है? देखिए, तमाम जगहों पर व्यवस्था की गई है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पे आम नागरिक जो अपने घर से आज जो बनाएंगे उसको कल सुबह बासी के तौर पर खाया जाएगा, और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, वो एक पूरी तरीके से तैयारी करके रख चुके हैं, आज उसको बनाएंगे। और साथ ही जो जितने भी बड़े आयोजन हैं, जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पे, वहां पे भी इसकी तैयारी की गई है। बोरे बासी एक त्योहार के तौर पर बनाया जा रहा है, वहां पे एक साथ लगभग 150 से 200 लोग बैठ के इसका लुत्फ उठाएंगे जी, और आने वाले समय में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जी। चलिए लविंदर, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको दिया छत्तीसगढ़ से, जो है श्रम दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी बोरे बासी खाने की अपील की है, और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको जो है शेयर करने की भी अपील यहाँ पर की गई है।
चलो इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है इसे उत्सव के रूप में मनाएगी। जिले और बूथ स्तर तक कार्यक्रम होगा। वही प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस, केवल मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी लवेंदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लवेंदर, आज प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड है, ऐसे में बीजेपी इसे उत्साह की तरह देख रही है। अलग अलग बूथों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मन की बात को सब इकट्ठा होकर सुनेंगे। मगर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि कांग्रेस आज इसका विरोध करने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि केवल मन की बात करते हैं पीएम और जनता की बात नहीं सुनते। देखिए अस्मिता, आपको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 100वां संस्करण है मन की बात का। आज ये पूरे देश भर में भाजपा इसे उत्सव के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम जनता के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए ये लगातार संस्करण कर रहे हैं। लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर भाजपा तमाम तैयारी करके रखी है। लगभग सभी विधानसभा में सभी नेताओं को एक एक तैयारी के लिए टारगेट दिया गया है। लगभग हर जिले में, हर बूथ में इसकी तैयारी की जाएगी। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जब बोलेंगे उससे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लगभग हर जगह 100 से 150 लोगों को उसमें बैठाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा किस तरह नरेंद्र मोदी ने लोगों के भले के लिए काम किया है। उसी के साथ लगातार कांग्रेस द्वारा इसमें प्रदर्शन किया जाएगा कि लगातार कांग्रेस इस पर बात उठा रही है कि ये केवल मन की बात करते हैं, आम जनता की बात नहीं सुनते हैं। जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार उसको लेकर तैयारी की जा रही है। विकास उपाध्याय है जो संसदीय सचिव है, वो एक प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वो लगा कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये केवल मन की बात करते, आम जनता की बात, आम जनता के लोगों की बात नहीं करते हैं। लगातार जो महंगाई की बात नहीं करते, महंगाई बढ़ रही है उसकी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी जो बढ़ रही है, कोरोना काल है और उसके बाद जो स्थिति है पूरे देश भर में, वो अभी तक उभर नहीं पाई है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने को तैयार है। तो सुनो, आगे तरह भाजपा इसे एक उत्सव के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसको प्रदर्शन करके इसमें विरोध करने की तैयारी में। जी चलिए लवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको दिया छत्तीसगढ़ से, जहां आज पीएम मोदी के मन की बात को हर बूथ लेवल पर सुना जाएगा, जिले लेवल पर सुना जाएगा, साथ ही यहाँ पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए मैं इजाजत, नमस्कार।